अवैध खनन, सीलिंग की जमीन पर ओबरा में अवैध खनन, ओबरा के बिल्ली मारकुंडी में अवैध खनन किया जा रहा है, खनन माफिया धीरज राय करता है खनन, और कामाख्या स्टोन साई बाबा फर्म से खनन होता है, आदिवासी लोगों की पट्टा जमीन पर अवैध खनन किया जाता है। तो आरटीआई वर्कर ब्रजेश पांडे ने की लिखित शिकायत, ओबरा पुलिस और धीरज राय में सांठगांठ है और सरकारी राजस्व को जमकर चोट यहां पर पहुंचाई जा रही है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको बता दें ओबरा पुलिस और धीरज राय में सांठगांठ है, जिसकी वजह से ये कार्य हो रहा है, अवैध खनन यहां पर किया जा रहा है। सोनभद्र से खबर है, जहां पर ओबरा में अवैध खनन किया जाता है, सीलिंग की जमीन पर ओबरा में अवैध खनन किया जाता है। आरटीआई वर्कर ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह है कि इस पूरे मामले पर पुलिस की नजर होने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जी धन्यवाद आपका। जी ये सर सीलिंग की जमीन है दिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में, रकबा नंबर 5405 ख 5406 5407 5411 जो सीलिंग की जमीन है जी, उसे कास्ट में दिखाकर मेसर कामाख्या स्टोन वर्क दिल्ली मारकुंडी सोनभद्र के नाम से खनन हेतु पट्टा करा लिया गया है जी, जो कि अवैध है। यह जमीन जो है आदिवासियों को जोत कोड़ के लिए दिया गया था जी, फर्जी तरीके से इससे एग्रीमेंट कराकर यह पट्टा कराए हैं। हाँ। जो जांच का विषय है जी। बिल्कुल जी ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों से बात की है, उनका क्या कुछ कहना है? जी हमने इस संबंध में 3 मार्च 2020 को हाँ। जिलाधिकारी सोनभद्र, खान अधिकारी सोनभद्र हाँ। अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया हाँ। परंतु अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई जी। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।